इस सवाल में लिखा था जगह बराबर में है हाफ कोसेक एक्स ब्रैकेट में कोसेक टू एक्स माइनस कोसेक टेन एक्स, क्या को प्रूव करना है। समय है 2 मिनट, सभी बच्चे करेंगे, समय शुरू होता है अब। हो गया भैया, सॉल्व करते हैं क्या फाइनल। दो एल एच एस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 साइन एक्स इन एल एच एस एंड आर एच एस, नहीं सॉरी इन न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। देखो क्या होता है, इन्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके बन जाएगा 2 sin x cos 3x sin 2x, sin 4x, sin 4x, sin 4x, sin 2x, sin 4x, 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 sin 4x,
प्लस 2 साइन एक्स और 7 एक्स अपॉन 2 साइन एक्स साइन 6 एक्स साइन 8 एक्स, यहाँ क्या आपका 2 साइन एक्स cos 9 एक्स अपॉन 2 साइन एक्स साइन 8 एक्स साइन 10 एक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन एक्स cos भी लगा दो, क्या होता है 2 साइन एक्स cos भी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मतलब माइनस 2 एक्स, साइन ए प्लस बी प्लस साइन और अपॉन में जो है वही है, रिप्लेस वाला, ठीक है भैया। ऐसे ही हल्के बनेगा, साइन ए प्लस बी मतलब 5 एक्स 6 एक्स ए माइनस बी माइनस 4 एक्स, सब में माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पे बोल जाएंगे हम लोग, जितना ही माइनस वाला है ना आपका वो ऐसा बन जाएगा, कैसा साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो सबका माइनस बाहर निकल जाएगा, सबका जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा भैया, ठीक है। क्या आएगा देखो, अलग अलग करो तो टू क्या करना है, अच्छा 1/2 तो ये 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स बाहर निकल जाएगा, 1/2 साइन एक्स बाहर निकल गया, जब अलग अलग करोगे तो दिस बाई दिस साइन 4x 4x कट जाएगा 1/sin 2x, दिस बाई दिस करोगे ये माइनस टाइम है ना, माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन 2x कट जाएगा आएगा माइनस 1/sin 4x, ये आ जाएगा ऐसे, यहाँ आएगा ये तो बाहर निकल चुका है, 6 से 6 कट जाएगा अलग करोगे तो 1/sin 4x, ये माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस 1/4 कट जाएगा तो साइन 6x, ऐसे ही साइन 8x अपॉन करोगे तो बाहर निकल चुका है, साइन 8 से साइन 8 कट जाएगा और 6x आएगा 1/sin 6x, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तब आएगा माइनस 1/sin 8x, ऐसे यहाँ आएगा आपका साइन 2 बाहर निकल चुका है, साइन 10 अपॉन जो करोगे तो ये कट जाएगा 1/
साइन एट एक्स माइनस वन अपॉन ये पड़ जाएगा साइन टेन एक्स साइन टेन इसी जगह अब क्या हुआ इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा ये जगह वन पॉइंट साइन लोग कोसेक बाई टू और अपॉन साइन मतलब कोसेक टू एक्स और माइनस कोसेक टेन एक्स ए प्रूफ करना था ठीक है आपका आर एच एस लिख लो बराबर अच्छा एक सवाल और दे रहे करिए ये लिख लिया ना बेटा आप लोग आगे बढ़े एक सवाल दे रहा हूँ सब लोग करिएगा मतलब इजी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फॉर्मूला आपको प्रूव करना है प्रूव दैट साइन थीटा थीटा साइन थीटा साइन थ्री थीटा साइन फाइव थीटा सर ये होमवर्क है नहीं बेटा अभी करना है साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा लग रहा है सब क्या क्या वो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा है टू एन माइनस वन थीटा ठीक है मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे बराबर प्रूफ करना है इजी है साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा आपको ये प्रूव करना है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आप तो एपी में अभी फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़े हैं एक मिनट ले लो या डेढ़ मिनट ले लो चलो डेढ़ मिनट में सवाल प्रूव कर लो अब समय शुरू हो गया हाँ लग जाओ
हो गया सर। चलो भैया, तो ओके। तो इजी है ना। अल्फा कितना है? अल्फा है थीटा। बीटा कितना है? कॉमन डिफरेंस 2 थीटा। नंबर ऑफ टर्न तो एन ही है। ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता है साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई, यही होता है साइन एन। तो एन रहेगा बीटा बाई टू, मतलब बीटा बाई टू कितना आएगा? थीटा आएगा। अपॉन में साइन बीटा बाई टू, साइन थीटा आएगा। साइन अल्फा बोले तो थीटा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू मतलब थीटा, तो माइनस थीटा पर खड़े एन थीटा, ये भी आएगा आपका। ये आएगा साइन स्क्वायर एन थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है भैया। यही प्रूव करना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, आसान था। एक सॉल्व कर दो बस, एक सॉल्व कर दो, सुखी रहो। सवाल है, चलो एक सवाल हमसे ले लो, एक सवाल मेरी तरफ से। बहुत देर हो गया आपने सवाल ले दिया, मैंने हटा दो उसको, हटा हो गया होगा। एक सवाल दे रहा हूँ, करिए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या? कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x कॉस 16x, इसका कुछ सिंप्लीफाई करना है। और ले लो कॉस 32x, सिंप्लीफाई करो, क्या होगा ये? क्या होगा ये? सिंप्लीफाई करो, समय दे देंगे तुमको 2 मिनट। सिंप्लीफाई करिए,
आई एम करते हैं, चलिए सवाल तो हम करते ही हैं। उसके अलावा जो कनेक्शन होगा, समय बीत गया। देखो नेक्स्ट इस सवाल में हमें किस सिखाना था, क्या सिखाना था मालूम? पीओ कनेक्टेड है सर, यार देखो यहाँ पे जो एंगल है इस बार जीपी में, इसमें जीपी हल्का समझते हो, मतलब 2-2 का मल्टीपल है, दुगना दुगना है, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, ठीक है। इस बार एंगल किसमें जीप, जब ऐसा खेल हो तो जो सबसे छोटा एंगल है साइन में, वो एंगल लेके मल्टीप्लाई करते हैं 2 times, टू साइन 2x से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। याद कर लो ये तरीका, जब भी एंगल आपको ऐसा मिले 2x, 4x, दुगने दुगने का आंसर हो, डबल डबल का आंसर हो, ट्रिपल ट्रिपल का हो, ट्रिपल ट्रिपल, हाँ ट्रिपल ट्रिपल ही कर सकते हो, ठीक है। तो क्या जाएगा 2, हमें मालूम है फॉर्मूला, 2 sin theta cos theta बराबर sin 2 theta, बराबर sin 2 theta, अगर 2 sin theta cos theta, sin 2 theta मतलब sin 4x बन जाएगा और cos 4x है ही, cos 8x और 16x और 32x अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 sin 2x, मतलब अच्छा एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या जाएगा 2 sin theta cos theta फिर बन जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 theta मतलब sin 8x और 8x अब समझ गए होगे, और 16x और 32x और 32x उठ गया, ये 4 हो जाएगा और यहाँ साइन 2x अच्छा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने वो जो कॉल बैक था हमारा, तो ये आपको जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपने काउंट लगाया साइन 2 थीटा बनेगा, यहाँ पर 16 कर लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 sin theta cos theta sin 2 theta, लेकिन चंदन बोर्ड नहीं दे रहा, आप मानो 32 बन जाएगा, हां ये बन जाएगा sin 2 theta, सिंपलीफाई करने पर हमको ये मिला sin 64x / 32 times sin 2x। जब भी ऐसे सवाल आते हैं हम लोग बस यही मल्टीप्लाई करते हैं, सब जो है कि आपस में मर्ज होते 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 सब गायब होते होते फाइनली वो सिंपल सा बन जाता है, दिस इज द आंसर। अच्छा एक सवाल दे रहे हैं, 1 मिनट का जरा करिए, तो उसको ये मिटा दे बेटा, ये यूनिट का बहुत पसंद है।
एक सवाल दे रहे हैं, एक एक मिनट का हलुआ 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 सवाल, पहला सवाल साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री करते करते साइन 1000 डिग्री 1000 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा है कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री ऐसे ही कॉस 1000 डिग्री। दोनों सॉल्व सॉल्व करिए, समय है एक मिनट, एक मिनट में दोनों का जवाब दिया हूँ। जीरो जीरो बढ़िया बेटा, कैसे किया? सर साइन में से साइन 180 आएगा तो सर इसकी वैल्यू जीरो होगी, और सर कॉस में कॉस 90 आएगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्या बात, सर मल्टीप्लिकेशन है तो सर पूरा जीरो हो जाएगा। क्या बहुत बढ़िया सर, बच्ची कह रही है सर बीच में कहीं साइन 180 डिग्री आ रहा होगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले केस में कहीं ना कहीं बीच में कॉस 90 आ रहा होगा, कॉस 90 जीरो होता है तो इसकी वजह से सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग को कुछ ट्रायंगल पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन ट्रायंगल, बेस्ड ऑन ट्रायंगल। इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, इसको लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको डीपी भेजूंगा अभी, हाँ डीपी सॉल्व करिएगा, और हमने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो चार्ट पेपर बना के आप उसको बना लीजिए, हाँ टांग लीजिए उसको याद कर लीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि मैं इस संडे टेस्ट ले लूँ, कोशिश करूँगा तो बता दूंगा कैसा होता है। आज की क्लास में सबसे यही एंड कर रहा हूँ, आप लोगों को गुड नाइट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो हमसे सवाल पूछ लीजिएगा, आपको मैं डीपी भेजूंगा उसको सॉल्व करिएगा प्लीज़, तो एक क्लास में डिस्कस करूँगा मैं डीपी। अभी हमारा एक ओके सर, ओके बेटा, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर।